पिपराइज थाना क्षेत्र के हेमदापुर में मंगलवार को भगवानी देवी नाम की महिला का चाकू से मारकर हत्या किया गया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम हेमदापुर में एक भगवानी देवी नाम की महिला को उसी के पड़ोस में रहने वाले राकेश सिंह नाम के व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम गठित की गई है। घटना में सर्विलांस व सीसीटीवी की भी मदद ली जा रही है। अभी तक जांच में पाया गया है कि यह घटना पहले से चली आ रही रंजिश में की गई है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि मृतक की लड़की का हत्यारोपी से प्रेम प्रसंग था। जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, जब वो लड़की आती है तब उसको साथ में कि कुछ न कुछ से चाकू, रही बात है तो लड़कियाँ 2 दिन पहले आई थी, सर प्राइज में कल एक घटना हुई है जिसमें महिला को कलर मारा, जैसा क्या कल थाना पिपराइज के ग्राम हेमदापुर में एक भगवानी देवी नामक 48 वर्षीय महिला को उसी के पड़ोस में रहने वाले राकेश सिंह नामक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनकी गिरफ्तारी, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस व सीसीटीवी की भी मदद ली जा रही है। उक्त घटना पूर्व की रंजिश के कारण हुई है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाएगा। सर कुछ बाजार पता चल पाई क्या मामला था? आपसी रंजिश थी संभवतः, ये बात भी सुनने में आ रही है कि उसकी लड़की से कुछ प्रेम प्रसंग था। इस संबंध में भी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उन विवेचना में शामिल किया जाएगा।